पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पांडुर्गा में सभा करने पहुंचे, जहां उन्होंने जनता से संवाद किया। इस बीच पूर्व सीएम ने जनता से कहा कि भाई साहब आप मुख्यमंत्री बनोगे। इसके जवाब में शिवराज मुस्कुराकर बोले, ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको ही बनाना है। पूर्व सीएम ने सोमवार को पांडुर्गा के बड़चिरोली में छिंदवाड़ा से लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के समर्थन में सभा की। उन्होंने कहा कि मैं नाम लेकर किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन हिसाब किताब तो मांगो कि 5 साल में किया क्या है। लेना ना देना, मगन रहना, बाकी कुछ किया ही नहीं है। क्या करोगे ऐसे सांसद का। उन्होंने आगे कहा कि हमारे उम्मीदवार बंटी साहू भी दिन और रात लगातार आपकी सेवा करेंगे। अगर मैं भी सांसद बन जाऊंगा तो थोड़ा बहुत धर्म मैं भी निभाऊंगा। मामा भी तो बुरा नहीं है। उनके इतना कहते ही लोग बोले कि आप मुख्यमंत्री बनोगे। इसके जवाब में पूर्व सीएम ने कहा कि मेरा एक प्रण पक्का है आपके सेवक का, और वो जन्म भर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का आंदोलन है, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत। कितने दिनों पहले हमने सपना देखा था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भारत आगे बढ़े। मुझे कहते हुए तकलीफ होती है, कांग्रेस ने हमारे देश का तबाह, हमारे देश का विनाश किया, तबाही लेके आई। आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, जब तक कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री होते थे, कमलनाथ जी भी कई बार मंत्री रहे। आप बताओ जब उनकी सरकार थी तो भारत की इतनी इज्जत और मान प्रतिष्ठा दुनिया में थी क्या? भारत का मान सम्मान नहीं था। हमारे देश को जानते थे घोटालों के देश के रूप में। मैं तो कई बार मुख्यमंत्री रहा, जब दुनिया के किसी देश में जाता था तो भारत की बात करता था तो कहते थे वो इंडिया जाए, इतने घपले घोटाले हो रहे हैं।